हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्पेशल एंट्री के बारे में जो कि मेरे पास सेट ऑफ वॉर्ड्स के लिए आई थी। अब ये जो एंट्री है, जब हमने सेट ऑफ वॉर्ड्स की डेट एक्सटेंड करी उसके बाद आई, और ये जो बी रोल्स वगैरह आप देख रहे हो, जो सेटअप्स आप देख रहे हो, ये उसी बंदे का है। तो देखो, अब ये एंट्री स्पेशल क्यों है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो, ये जो बंदा है इनका नाम है कौशिक टाइकून। जी हाँ, टाइकून इनका सर नेम है। मैंने पूछा था इनका असली नाम क्या, उन्होंने कहा मेरा नाम कौशिक टाइकून ही है। तो पहले मुझे भी लगा कि टाइकून शायद इनका कुछ या फिर ऐसा ही कुछ होगा, बट नहीं। तो कौशिक भाई ने जो है वो अपना एक पूरा, मतलब इन्होंने अपना सेटअप जो है ना, उसके लिए जो इन्होंने एक ड्रॉअर है, या मैं कहूं कि एक साइड टेबल, इन्होंने खुद उसे मॉडिफाई किया है अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। ये जो चाहते थे, ये चाहते थे कि इनका जो है वो एक क्लीन सेटअप बने, ज्यादा वायर दिखे ही ना। इवन डेस्क की बात मैं नहीं कर रहा हूं, डेस्क में तो चलो होता है कि तुम केबल मैनेजमेंट यूज कर लो, अच्छे से इंप्लीमेंट कर लो, तुम वायरलेस कीबोर्ड माउस ले लो, तो तुम्हारा जो डेस्क है उसमें तुम्हें तारे वगैरह नहीं दिखेंगी, क्लीन दिखेगा। लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पीछे, मतलब अपने टेबल के पीछे, या फिर तुम वॉल में जो सॉकेट लगाओगे अपने पीसी का, अपने मॉनिटर का, वहां तो तुम्हें केबल्स दिखेंगी दिखेंगी, है ना, लटकती हुई। ये चाहते थे कि वो भी ना हो, एकदम क्लीन हो। तो इन्होंने, अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो पूरा, जो भी ये 3D रेंडर वगैरह किया है, इस हिसाब से पहले वर्चुअली इन्होंने देखा कि इनके रूम के हिसाब से ये कैसे सेटअप कर सकते हैं, ये जो रेंडर से इन्होंने तैयार किए पहले, उसके बाद जो है इन्होंने अपना वो जो कस्टम टेबल है, साइड डेस्क बनवाई, और बनवाई भी नहीं, उन्होंने खुद बनाई। इन्होंने मुझे लिखा भी है इसमें कि इन्होंने जो है वो प्लाई वगैरह मंगवाई, लकड़ी भी मंगाई 50-25 रुपये पर केजी, समथिंग समथिंग करके, मैं भूल गया हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया है। फिर इसके ऊपर इन्होंने वो ब्लैक शीट्स वगैरह लगाई हैं, विनाइल शीट्स वगैरह कहते हैं शायद उसे, तो वो के इन्होंने पूरा, मतलब ये जो वो कस्टम डिजाइन वगैरह किया। इसके अंदर इनके ड्रॉअर देखो, आपका जो पीसी का जो प्लग है, आपका जो बाकी जो कंपोनेंट्स जो आपको पावर देनी होती है, उनके जो प्लग्स हैं, वो इन्होंने एक ड्रॉअर के अंदर, इनका जो पावर कनेक्टर्स हैं वो सब कहीं से जुगाड़ करके, मैं नहीं जानता हूं कैसे किया इन्होंने सब कुछ, लेकिन इन्होंने एक ड्रॉअर के अंदर इसे डाल दिया है। तो मतलब वो किसी दीवार पर सॉकेटेड नहीं है, जितने भी इनके पावर प्लग्स हैं वो सारे के सारे इन्होंने एक ड्रॉअर के अंदर डाल दिया, इनका यूएसबी हब वगैरह। तो जब मतलब वो एक तरीके से तुम्हें दीवार पर वायर्स वगैरह दिखेंगे, तो ये काफी यूनिक और क्रिएटिव आइडिया है कि जब तुम्हें पेनड्राइव वगैरह, सॉरी, कुछ एक्स्ट्रा कुछ पेरिफेरल्स निकालने हो, तो तुम ड्रॉअर खोलो, पावर बटन बंद कर दो और ड्रॉअर अंदर डाल दो वापस डेस्क के अंदर। तो वो एक चीज काफी क्रिएटिव है, दीवार पे इतनी सारी तारे नहीं है, और ऊपर पे इन्होंने जो है वो हेक्सागन टाइप के कुछ डिजाइन बनाए जिनके अंदर इन्होंने अपने हेडसेट्स वगैरह रखे हुए हैं, जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। एंड मुझे ये समझ भी नहीं आया कि इन्होंने जो ये एक ग्लास का आपको चीज दिख रही होगी जिसमें इन्होंने लिखा है बीस्ट ऑफ टाइकून वगैरह, ये इन्होंने बनाया है, लगाया है, मतलब कैसे किया इन्होंने वो मुझे पता नहीं चला, लेकिन जो भी किया इन्होंने वो खतरनाक किया है। मतलब आप खुद देख सकते हो इनका सेटअप कितना ऑसम लग रहा है। एंड इनके पास LG के हैं 22MP68VQ 1080p मॉनिटर्स, IPS पैनल्स दो, और ये डुअल मॉनिटर सेटअप में इसको रन करते हैं। इनका शायद कुछ 3D एनिमेशन या मीडिया प्रोडक्शन का कुछ काम है शायद, तो उसके लिए इनको डुअल मॉनिटर सेटअप की जरूरत लगती होगी। तो डुअल मॉनिटर सेटअप भी देखो कितना बढ़िया लग रहा है, और ये एवेंजर्स या मार्वल यूनिवर्स के फैन है, तो वॉलपेपर्स भी इनके वही है। एंड वीडियो और फोटोज क्वालिटी जो है वो बिल्कुल इनके ऑसम है। अगर मैं इनके स्पेक्स की बात करूं, तो स्पेक्स में जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं Ryzen 5 2600X कोर, जो तुम एडिटिंग वगैरह में तुम AMD की तरफ ही जाओगे। रैम है इनके पास 8GB की दो स्टिक, यानी कि टोटल 16GB रैम, 3000 MHz वाली मदरबोर्ड यूज करते हैं, MSI का गेमिंग प्रो कार्बन AC, ठीक है, B450, और ग्राफिक कार्ड इनके पास RTX 2060, SSD है इनके पास एक किंगस्टन की 480GB की, एक M.2 ड्राइव है इनके पास सैमसंग की 960E वो 250GB की, इनके पास एक SSHD है, दो है Seagate की FireQuadra 2-2 TB वाली। तो क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें कहा कि तुम मीडिया प्रोडक्शन वगैरह में हो, तो तुम बहुत सारी चीज़ें रेंडर करोगे, वीडियोस बनाओगे, तो उसके लिए तुम्हें मास स्टोरेज चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए इन्होंने यूज़ करी Seagate की FireQuadra, जो कि तुम्हारी नॉर्मल हार्ड ड्राइव से फास्ट होती है, और वो भी दो लिए इन्होंने 2-2 TB की। पावर सप्लाई इनके पास Corsair की 650W की VS सीरीज की, कैबिनेट इनके पास NZXT का H500i, और इनके पास कोई फैन एंड LED स्ट्रिप जो है वो इनके पास है, वो एगो 12 की, मॉनिटर है मैंने तुम्हें बताया LG का 22MP68VQ, और माउस कीबोर्ड वगैरह आप देख ही सकते हो, कुछ रेड ड्रैगन का Cobra 711, दूसरा इनके पास टेकनेट का कोई गेमिंग वायरलेस माउस, हेडसेट है इनके पास JBL के Tune 500, और एक और मतलब इनके पास हेडसेट है जो कि गेमिंग के लिए है, वो है कॉस्मिक बाइट का H1। तो JBL वाला जो है वो म्यूजिक के लिए है, और कॉस्मिक बाइट वाला इनका गेमिंग के लिए है। और मॉनिटर के पीछे भी इन्होंने LED स्ट्रिप्स देखो क्या मस्त तरीके से लगा रखे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा मॉनिटर के पीछे, ताकि दीवार पे इनको जो है वो कलर का रिफ्लेक्शन मिले एंड इनका सेटअप थोड़ा ऑसम लगे। तो वो आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने सबको सेटअप किया हुआ है। एक चीज जो मुझे अभी भी अजीब लग रही है वो ये लग रही है कि इन्होंने कैबिनेट का जो साइड पैनल है वो काटा हुआ है, उसके ऊपर ये डिजाइनिंग करी हुई, क्या करा हुआ है वो मैं, मेरे
लिए अभी भी मिस्ट्री है, ठीक है। साइड पैनल क्यों काटा, काट के ये बना लिया, क्या करा भाई ने, पर वो मुझे समझ में नहीं आया। बट हाँ, इन्होंने अपने गेमिंग सेटअप में कोई कमी नहीं छोड़ी, इवन इन्होंने कस्टम स्लीव्ड केबल्स भी यूज़ करी हैं, देखो ग्रे मतलब वाइट वाइट एंड ग्रे एंड ब्लैक टाइप की हैं ये, ठीक है। तो मतलब उससे जो है वो तुम्हारा और अच्छा दिखेगा सेटअप। तो आप देख सकते हो मतलब बंदों ने अपने सेटअप, अपने गेमिंग सेटअप पे कितनी मेहनत करी है। मतलब यार इतना कौन करता है एक सेटअप को वो करने के लिए। मतलब तुम चाहो तो पीसी बिल्ड करके बस साइड में रख भी सकते हो कि बस काम तो चल रहा है ना, स्पीड तो मिल रही है तुम्हें, कौन सा तुम्हें इतना सेटअप करके कुछ ज्यादा ही तुम्हें गीगाहर्ट्ज मिलने वाले हैं, 10 गीगाहर्ट्ज में तुम्हारा सीपीयू चलेगा, ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। लेकिन फिर भी एक होता है कि बंदों को प्लीजिंग लुक चाहिए होता है, तुम्हें अपना, तुम चाहते हो कि तुम्हारा सेटअप एकदम कूल दिखे, कोई घर में आए तो भाई लगे कि हाँ भाई कोई चीज़ है, मतलब कुछ काम करा है तुमने, मतलब समझ रहे हो ना तुम, मैं मेरे शब्द नहीं मिल रहे बट ठीक है, तुम कुछ अचीव करना चाहते हो अपने सेटअप से, तुम एक गेमरी लुक या फिर एक खतरनाक सा कुछ भी, तुम एक मान लो तुम मार्वल फैन हो, तुम आयरन मैन थीम लुक बनाना चाहते हो रेड एंड गोल्डन समथिंग समथिंग करके, तुम कैप्टन अमेरिका के फैन हो तो तुम रेड एंड ब्लू का थीम करके कुछ बनाना चाहते हो वगैरह। तो मतलब अपने अपने ऊपर है, वो अपनी पर्सनल चॉइसेस के ऊपर है, पर मैं ये बता रहा हूँ कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो बहुत कम स्पेंड करके। मतलब बंदे ने जो भी तुम्हें कस्टम टेबल वगैरह का बता रहा हूँ, वो कस्टम टेबल बंदे ने खुद बनाई और उसके अंदर वो जो शीट्स वगैरह लगाई प्लाई व्लाई के ऊपर, उसका खर्चा उनको मिला के सिर्फ 2000 रुपये हुआ, ठीक है। और 2000 रुपये में उन्होंने वो कस्टम टेबल अपने लिए खुद बनाई, बाकी जो इन्होंने मॉडिंग करी वो तारे वगैरह लगाना, एलईडी स्ट्रिप वगैरह लगाना, वो तो हर कोई बंदा लेता ही लेता है, एलईडी स्ट्रिप अभी ना ले तो पीसी बिल्ड में कुछ 1-2 महीने बाद ले लेता ही लेता है, बट उसको सही से अरेंज करना, सेटअप को सही से लगाना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो वो देखिए मतलब कितनी खतरनाक करी है। अगर आप भी चाहते हैं आप ऐसा सेटअप करें तो आपके पास देखो इस वीडियो को देख के थोड़े बहुत टिप्स मिल गए होंगे कि आप कैसे अपने सेटअप को इंप्रूव कर सकते हो। बाकी ये रहे कौशिक भाई के बेंचमार्क्स एंड स्कोर्स, एंड उम्मीद है यार तुमको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे लगा था कि ये एंट्री जो है वो ऐसी है जिसको अलग से शोकेस करना चाहिए, तो मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ये एक्स्ट्रा वाली। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस। I'm gonna go get some more.